फैमिली, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और कस्बा की तबीयत सही नहीं है, तो कस्बा स्कूल, मैं खुद भी इसको नहीं भेज रही स्कूल ज्वाइंटीज की वजह से। और जब तबीयत ठीक होगी, जब चली जाएगी, तबीयत चली गई हुई जा रही हूँ सोने। दूंगी नहीं, दो चीज़ें, तो मैं एक चीज़ भी नहीं दूंगी, नाश्ता करवा के भेजूंगी। अब देखो कितनी तुम चीज़ें बर्बाद करती हो, कितनी चीज़। क्यों सही है आँखें? तकबीर कुछ होता है ना, आप टीचर के पास जाया करो, आप ही को नहीं बताया करो। क्यों आप ही को डिस्टर्ब करती हो? बहुत तकबीर आप तंग करती हो, बहुत ज़्यादा। चलिए कपड़े लेकर आओ, चेंज करो। हाँ भाई, नाश्ता करके नहीं, खाना खाना, थोड़ा सा खाना खाओ, आलू गोश्त चावल बनाए। आज हम बना रहे हैं बड़े टाइम के बाद आलू पालक। मैं आलू पालक ऐसे बनाती हूँ, हरी मिर्चें, लहसुन का बगार, थोड़ी सी प्याज, टमाटर, छोटी मिर्चें, हल्दी, नमक और आलू पालक डाल देती हूँ बस। और बड़ा अच्छा बनता है, मज़े का बनता है। सब्जियों में बच्चियाँ भी खा लेती हैं, वैसे तो ये बच्चे सब्जी हमारे खाते नहीं हैं, लेकिन सब्जी खानी चाहिए। बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से सब्ज़ी। अगर कोई बनाता है और अगर कोई नहीं बनाता तो बना के देखिए। वैसे लहसुन मिर्चों का बघार लगता है, प्याज नहीं लगती, पर मैं प्याज डालती हूँ, उसमें एक ना मसाला सा चिपक जाता है सब्ज़ी में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और ये मैंने पालक पहले से ही धो के ना अच्छे से फिर से भिगो दिए साफ़ पानी में, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत निकलती है। लेकिन अब ये पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है, देखिए बहुत मेहनत से धुलती है पालक। प्याज बस ब्राउन होने ही वाली है, किस किस को पसंद है आलू पालक सब्जियों में? मुझे ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, और मिक्स सब्ज़ी सर्दियों में बनती है, जो सारी चीज़ें जो सर्दियों में, मेथी आती है अच्छी सी, मटर आती है, जो फ्रेश मटर की बात होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। प्याज ब्राउन हो गई है, पालक मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिए, सारा पानी इसका इधर निकल गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये पालक, उसके बाद मैंने इसमें ना ये रख दिए टमाटर। टमाटर ऐसे करके इसलिए रख रही हूँ कि ना फिर मैं इसका छिलका ना रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ना टमाटर का छिलका बहुत नुकसान देता है, ख़ास तौर पर जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको पहली पालक नुकसान देती है, ऊपर से जाए ना टमाटर और ज़्यादा नुकसान देता है, मतलब इसका जो छिलका होता है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो मैं ये रिमूव करके फिर इसमें सारे स्पाइसेस और आलू ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने शामी कबाब का भी मसाला जो है ना बना के रख दिया है, बस अब इसको मुझे पीसना है। एक तो हम पीसते भी सिर्फ बट्टे पे हैं,
बड़ा टाइम लगता है इसलिए ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैं कस्बा को लेके आई, डॉक्टर क्या लेकर गई थी वहाँ से उसको लेके आई हूँ ना, तो भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सोचा खाना बना लूँ फटाफट से, खाना बना के फिर देखती हूँ, हिम्मत हुई तो इसको पीस लूँगी वरना फिर कल पीसेंगे। आलू भी मैंने वॉश करके रखनी है, बस इसका छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाए टमाटरों का। अभी नहीं हुआ टाइम है, कितने आराम से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। ये देखेंगे सारे छिलके अच्छी तरह रिमूव हो गए, बस अब हम इसमें स्पाइसेस अपने ऐड करेंगे, आलू डालेंगे और जब आलू गल जाएंगे थोड़ी इसकी भुनाई करेंगे, टमाटर को तोड़ लेते हैं। कभी बना के देखिएगा इस तरीके से आलू पलक, बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की। ये देखेंगे हम इसके अंदर